हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विद एग्री वाला। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि हम आज क्या बताने वाले हैं, तो दोस्तों चलिए हम बता दें आपको। हम आज जो नेमरा सुंडा सर की जो बुक है, अ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई नेमरा सुंडा, इसका रिव्यू लेकर के आए हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, किस प्रकार दिए गए हैं, ये सब हम देखेंगे। और आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दें कि जो ये बुक है, इसमें मैटर को बहुत अच्छे से प्रसाइज करके दिया गया है। एक शानदार तरीके से जो है इसे बुक में जो होता है लिखा गया है। जो अरुण गतन सर की वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड दो बुक हैं, उनसे मैटर को शॉर्ट आउट करके बहुत अच्छे तरीके से, ये समझो ये एक टाइप का नोट्स बनाया गया है, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये दोस्तों बुक जो है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजी हो, पीजी, इंट्रेंस एग्ज़ाम, RRBSO, IBPSSO, NSC, IFCO, कोई भी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। तो दोस्तों आज हम इसका रिव्यू लेकर के आए, इसमें देखेंगे हम शानदार तरीके से, देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस प्रकार, किस फॉर्मेट में जो है ये बुक लिखी गई है, सब अच्छे से देखते हुए आगे आज बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो था राइटर के बारे में थोड़ा लिखा होता है, और इसमें जो है दोस्तों कंटेंट्स दिया गया है। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं जो होता है। सबसे पहले तो इसमें इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिया गया है। दोस्तों इसमें अब ये नहीं है कि मतलब पूरा हिस्ट्री दिया गया हो, मेन में पॉइंट जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना दिया गया है, जो कि सफिशियंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सफिशियंट है। फिर इसके बाद में दिया गया जनरल एग्रीकल्चर दिया गया हमारा, एग्रोनॉमी दिया गया है, सोयल साइंस दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, हॉर्टिकल्चर दिया गया है, एंटमोलॉजी दिया गया है, प्लांट पैथोलॉजी दिया गया है, और नेमाटोलॉजी दिया गया है, प्लांट ब्रीडिंग दिया गया है। आगे देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स और एनिमल प्रोडक्शन। टोटल दोस्तों ये 14 जो होते हैं सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल ये 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें। ये सबसे पहले दोस्तों शुरू हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं। इसके बाद में ये इसमें जो होता है जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं ये सब दिए गए हैं दोस्तों। और इसके बाद ये भी टर्म्स ही हैं, ये हिस्ट्री एंशियंट एग्रीकल्चर की हिस्ट्री दी गई है। इसके बाद में जो होता है ये एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट एग्रीकल्चर की हिस्ट्री दी गई है, और इसके बाद में ये मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है इसकी हिस्ट्री दी गई है, और ये भी मॉडर्न दी गई है। इसी में कुछ दोस्तों एक्सटेंशन के प्रोग्राम वगैरह दिए गए हैं, और जो है कौन सा प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू किया गया, सब दिया है। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और IRI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद ये जनरल एग्रीकल्चर दोस्तों शुरू हो जाता है, ये जनरल एग्रीकल्चर है, और इसके बाद ये स्कीम्स वगैरह दी गई हैं, और फुल फॉर्म है कौन जो था इंस्टीट्यूट कहाँ डेवलप किया गया, वो इस्टेब्लिश किया गया, कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सब दिया है इसमें दोस्तों। इसके बाद में जो है ये पत्रिका दी गई हैं, और ये अवार्ड दिए गए हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट जो हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र में, मतलब उनका जो है क्या योगदान रहा, ये सब बताया गया है दोस्तों, नहीं दिया है। ये रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है दोस्तों, कौन सी रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है वो दिया गया है, और
ये विटामिन्स दिए गए हैं, इनके सोर्स दिए गए हैं, और विटामिन्स की डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज होता है दिया गया है, मिनरल्स की डिफिशेंसी का कौन सा डिजीज होता है, क्या सिम्टम है इनके दिया गया है, और ये जो है PGR दिया गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दोस्तों ये दिए गए हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं वो दिया गया है सब, ये ईयर्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल ईयर एंड डेज दिए गए हैं ये दोस्तों, ये स्कीम्स दी गई हैं, कुछ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट स्कीम जो ये निकालती है वो दिए गए हैं, और ये दोस्तों स्कीम्स अभी चल रही हैं। ये दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर यूनिट सेकंड शुरू हो जाती है यहाँ से, एग्रीकल्चर यूनिट सेकंड, और इसके बाद ये मिनिमम डिलेज वगैरह इसमें दिया गया है होता है, ये हमारा शुरू हो गया है एग्रोनॉमी दोस्तों, शुरू हो गया यहाँ से, ये एग्रोनॉमी शुरू हो गया, ये एग्रोनॉमी की यूनिट फर्स्ट दोस्तों शुरू हो जाती है, यूनिट फर्स्ट एग्रोनॉमी की, और यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये यूनिट फोर्थ है दोस्तों, और ये यूनिट फिफ्थ है, क्लाइमेट दी गई है इसमें यूनिट फिफ्थ में। इसके बाद दोस्तों आता है ये कुछ दोस्तों जो है इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद ये शुरू हो जाती है यूनिट सिक्स, ये यूनिट सिक्स दी गई है, ये दोस्तों बुक है इसमें देखो, ये यूनिट सेवेंथ है, सब पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से सर ने इसमें जो है बुक को लिखा है, ये एग्रोनॉमी चल रही है अभी, ये कुछ टर्म्स दिए हैं दोस्तों जो तो हैं क्रॉप्स एंड इनसे रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं इसमें जो है ऑल परसेंटेज दिया गया, प्रोटीन कंटेंट दिया गया है, प्रोटीन कंटेंट का पल्सेस एरियाज ऑल सीड वगैरह दिया गया है, ये सब फैमिली दी गई हैं, और इसके बाद में शुरू हो जाता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जितनी भी फील्ड क्रॉप्स आती हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत वो सब दी गई हैं, ये पैडी वगैरह जो भी है, पल्सेस जो भी आती हैं वो सब दी गई हैं, और इसके बाद में ये शुरू हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पॉइंट वाइज दिए गए हैं सब क्रॉप्स में भी दोस्तों, ये एग्रोनॉमी की क्रॉप्स इसमें सब फील्ड क्रॉप्स दी गई हैं, ये क्रॉप्स चल रही हैं, शुगर केन की क्रॉप्स हो गई है, पिजन पी, जितने भी एग्रोनॉमी पोटैटो वगैरह सब दिया गया पूरा, मस्टर्ड की क्रॉप हो गई है, दोस्तों अरुणा जो है ये सरसों की वैरायटी है इसमें, मस्टर्ड की एक वैरायटी है अरुणा, ये क्रॉपिंग दी गई है, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग वगैरह सब दिया गया है, ये वीट साइंस शुरू हो गया है दोस्तों हमारा वीट साइंस, इसमें इनके साइंटिफिक नेम और फैमिली वगैरह दी है, ये दोस्तों दिया सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ बायोजेंट एंड देयर बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इनकी जो हैं वीट कंट्रोल के लिए जो है केमिकल्स दिए गए हैं कुछ, ये दोस्तों हमारा शुरू हो जाता है सॉयल साइंस यहाँ से शुरू हो जाता है, ये सॉयल साइंस दिया है बहुत अच्छे से दिया गया है, पेडोलॉजी इसकी ब्रांचेज वगैरह दिए हैं, सॉयल प्रोफाइल वगैरह दिया गया है, ये सॉयल्स जो था इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें, बर्क डेंसिटी जो भी होता है सॉयल पार्टिकल्स वगैरह ये दिया गया दोस्तों, ये सॉयल्स इनका जो था क्लासिफिकेशन ये सॉयल्स का दिया गया है, ये क्लासेस वगैरह दी गई हैं दोस्तों इनकी, ये हमारा सवाल साइंस चल रहा है अभी, ये दोस्तों अभी सवाल इनके जितने एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं,
कौन किस टाइप के होते हैं सब दिया गया दोस्तों। इसके बाद ये हॉर्टिकल्चर हमारा शुरू हो जाता है, ये हॉर्टिकल्चर हमारा है जनरल हॉर्टिकल्चर। इसके बाद ये फ्रूट साइंस शुरू हो जाता है, ये फ्रूट साइंस चल रहा है दोस्तों। ये फ्रूट साइंस है, इसमें भी जो है जितनी भी फ्रूट्स की क्रॉप्स हैं वो सब दी गई हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स दी गई हैं। इसके बाद ये वेजिटेबल प्रोडक्शन शुरू हो गया, ये क्लासिफिकेशन दिया इसमें फैमिली क्रोमोजोम नंबर और जो है साइंटिफिक नेम कॉमन नेम वगैरह, ये सब जिंजर चिली की क्रॉप्स दी गई हैं पूरी। और ये कुकरविश्व की क्रॉप्स दी गई हैं, जो फ्लोरिकल्चर शुरू हो गया हमारा। और इसके बाद में यह आता है पोस्ट हार्वेस्ट शुरू हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंटोमोलॉजी ये शुरू हो गई दोस्तों। एंटोमोलॉजी इसमें जो है इंसेक्ट में तो है लेग्स जो होती हैं लेग्स के पार्ट और माउथ पार्ट वगैरह दिए गए हैं, विंग्स जो होते हैं दिए गए हैं यस, और इनकी जो एंटेनी होती हैं वो दी गई हैं दोस्तों। इनमें होता है इंसेक्ट जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन दिया गया, इनके साइंटिफिक नेम वगैरह है, फैमिली साइंटिफिक नेम, ये इनके फिर कंट्रोल दिए गए हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल और फिर जो भी हैं फिजिकल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल वगैरह सब दिए गए हैं। फिर ये जो दोस्तों ये इंसेक्ट हैं इनकी जो है कंट्रोल करने के लिए जो है इनके कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, ये सब इंसेक्ट पेस्ट दिए गए हैं दोस्तों। अभी एंटोमोलॉजी चल रही है, अब इसके बाद शुरू हो जाता है ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये प्लांट पैथोलॉजी दिया गया है, इसमें साइंटिस्ट वगैरह के बारे में कुछ दिया गया कि किसने क्या वर्क किया पैथोलॉजी में, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और ये दोस्तों डिजीज वगैरह शुरू हो जाते हैं कि किस क्रॉप में कौन सा डिजीज लगता है, ये जो डिजीज़ है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, और उनके कंट्रोल वगैरह के लिए जो कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है कंट्रोल करने, नेमाटोलॉजी शुरू हो जाती है, हिस्ट्री ऑफ नेमाटोलॉजी वगैरह दी है। और ये भी नेमाटोलॉजी ही चल रही है, ये दोस्तों ये दिया गया है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स शुरू हो जाता है, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स दिया गया है। इसके बाद ये जो इसमें सीड टेक्नोलॉजी वगैरह आता है, फिजियोलॉजी वगैरह दिया गया है, आगे टॉप क्रॉस बैक क्रॉस वगैरह सब दिया है दोस्तों। इसमें पेडिग्री मेथड वगैरह दिया गया है, ये दोस्तों हमारा शुरू हो जाता है प्लांट फिजियोलॉजी, यह प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो जाता है, यह प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी चल रहा है, फोटो रेस्पायरेशन वगैरह दिया गया है सब ये दोस्तों। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शुरू हो जाता है, इसमें प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में प्रोग्राम्स वगैरह दिए गए। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद ये जो होता है ये इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, और स्टेटिस्टिक्स ये दोस्तों हमारा ये स्टेटिक्स वगैरह दिया है सब पूरा। इसमें जो है CRD वगैरह दिया गया है, LSD SRPD, और इसके बाद में एनिमल प्रोडक्शन शुरू हो गया, जो कि दोस्तों हमारा ये लास्ट 14वां जो है सब्जेक्ट है निर्मला सुंदर सर की बुक में। तो ये दोस्तों हमारा रिव्यू रहा, काफ़ी शानदार तरीके से जो है सर ने बुक को लिखा है। तो दोस्तों चलो ठीक है, चलते हैं और अच्छे से पढ़िए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात आपको बता दें, अगर आपको जो निर्मला सुंदर सर की जो बुक है इसका अगर PDF चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें बताएं, या फिर हमारे इंस्टा चैनल पर एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला पर मैसेज कर हमें सेंड करें और हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।